हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे गोर जनजाति के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और जनजाति से संबंधित तो क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं। तो आज के लेक्चर में गोर जनजाति से संबंधित पूरे जानकारी आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गौर जनजाति, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस पर एंटिटी डायग्राम के रिलेशन पर आधारित मैं आपको पूरे कहानी वाइज मैं इस गौर जनजाति के बारे में पूरा आसानी से कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। आपको हर एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तो गौर जनजाति अपने ये इसको पहले क्या कहते थे, कोड नाम से जाना जाता था, और ये अपने आप को कोयतोर बताते थे। कोयतोर कहने के मतलब है कि पर्वतवासी अपने आप को बताते थे दोस्तों। तो गौर जनजाति की सबसे पहले बात करेंगे, उसकी जीवन यापन कैसी थी। तो गौर जनजाति के जीवन यापन कृषि, पशुपालन और शिकार करके अपना जीवन यापन चलाते थे। अब गौर जनजाति अपने जीवन यापन से खुश होते थे, तब पर्व मनाते थे, नृत्य करते थे, विवाह करते थे, घर बनाते थे, इस तरह से कार्य किया जाता था। तब अपने जीवन यापन में खुश रहते थे तो पर्व मनाते थे। तो कौन कौन सी पर्व मनाया जाता था यहाँ पे, नावाखाई, बिरदी, बगपंती, जवारा, मड़ई, छेड़ता, ये सभी पर्व गौर जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब यहाँ पे नृत्य या डांस की बात करें तो सुवा, कर्मा, भड़वनी, बिरदा, गेड़ी, दीवानी, सजनी, इस तरह से नृत्य गौर जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब गौर जनजाति में जीवन यापन खुशहाल रहने पर पर्व मना लिए, और यहाँ पे नृत्य भी कर लिए, और यहाँ पे विवाह भी करेंगे। तो विवाह कैसे करते थे, मेरे और फुफेरे भाई बहन में विवाह हो जाता था। मीन्स आप अपने आप को रखेंगे तो यहाँ पे बुआ की लड़की लड़का और मामा के लड़की लड़का के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था, और इसी को क्या कहते हैं, दूध लौटावा विवाह भी कहा जाता था। अब दूध लौटाव विवाह कहाँ पे प्रचलित है, गौर जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये तो उसकी जीवन यापन खुश होने पर ये कार्य करते थे, लेकिन जब दुखी होने पर या कोई रोग से पीड़ित हो जाने पर हर कोई देवता देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो इन लोग भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो सबसे जो प्रमुख देवता है इसकी, जो दूल्हा देव है, लेकिन कोई रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग या चेचक रोग हो जाता है, तो कौन सी देवी देवताओं को पूजा करते हैं आपको मालूम होगा दोस्तों, तो पांडी देवी देवताओं का पूजा करते थे। लेकिन मनुष्य फिर भी उस रोग से नहीं बच पाते थे और उसका मृत्यु हो जाता था। तो चेचक या कुष्ठ रोग से मृत्यु हो जाने पर मनुष्य को दक्षिण दिशा में सिर रख के दफनाने की रीति रिवाज गौर जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तब गौर जनजाति का सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है दोस्तों, और गौर जनजाति को गोंडवाना साम्राज्य भी कहा जाता है, और इस गोंडवाना साम्राज्य की जो भाषा थी वो भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती है दोस्तों, गोड़ी या फारसी इसका जो भाषा थी। तब गौर जनजाति इतना जो सबसे ज्यादा जनजाति के रूप में माना जाता है, तो इसका शासन भी रहा होगा। तो इसका शासन जो था वो 15वीं शताब्दी में क्या था, राजा और रानी हुआ करता था। तो कौन से राजा था, बख्त बुलंद शाह, और रानी थी हमारा दुर्गावती रानी थी दोस्तों। तो 15वीं शताब्दी में दोस्तों यहाँ पे चार प्रमुख साम्राज्य थे। उस साम्राज्य का नाम बता देता हूँ, खेरला, गढ़ मंडल, देवगढ़ और चंदागढ़, जिसकी राजधानी देवगढ़ थी। तब बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर का निर्माण किया और नागपुर को ही राजधानी ट्रांसफर कर लिया दोस्तों, मतलब देवगढ़ की जगह में नागपुर को राजधानी बना दिया गया। 17वीं शताब्दी में गोंड राजा प्रताप सिंह जूदेव गुबर नरेश का उल्लेख मिलता है, और आज भी कहा जाता है 15 जनवरी को मेला लगता है। तो ये सभी जानकारी है दोस्तों। एक और जानकारी बता देता हूँ, जब गौर जनजाति 1941 में जब जनगणना हुई थी, तब 25 लाख की जनसंख्या काउंट की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तब धीरे धीरे कुछ गौर जनजाति हिंदू धर्म अपना लिए और कुछ गौर इस्लाम धर्म अपना लिए दोस्तों। तो ये गौर जनजाति का पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, प्लीज इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत मजेदार है, आप इसे कहानी की तरह याद रखिएगा।
तो उराव जनजाति की सबसे पहले बात करेंगे, इसकी जीवन यापन कैसी थी। तो उराव जनजाति के जीवन यापन कृषि या मजदूरी करके व्यतीत किया करते थे। तो कोई भी जनजाति अगर अपने जीवन काल में खुश होते थे तो दो तीन कार्य विशेष रूप से किया करते थे, जैसे कि घर बनाना हो गया, विवाह करना या शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया करते थे। तो उराव जनजाति भी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया और इसलिए उराव जनजाति को शिक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है और कहा भी जाता है फ्रेंड्स। अब उराव जनजाति की विवाह परंपरा की बात करेंगे तो युवा गृह विवाह परंपरा प्रचलित है। युवा गृह कहने का मतलब है युवाओं का समूह हो गया। अब यहाँ पे वर और वधु को रखा जाता था, तब वर और वधु को जहाँ पे रखा जाता था उस जगह को क्या कहते हैं, धूमकुरिया नाम से जाना जाता था। अब वर को क्या कहते हैं यहाँ पे, धांगर, और वधु को क्या कहा जाता था, धांगरी कहा जाता था। इसलिए इसका जो भाषा थी वो हमें समझ में नहीं आ रहा था, ना तो हिंदी है ना तो छत्तीसगढ़ी है, इसलिए उराव जनजाति की भाषा क्या थी, कुरुक भाषा यहाँ पे कहा जाता है फ्रेंड्स। अब इसका जो पेय पदार्थ के बारे में देख लेते हैं, तो इसका जो पेय पदार्थ है वो कोसमा पेय पदार्थ के रूप में माना जाता है। अब ये बात हो गया, अब यहाँ पे अपने जीवन काल में खुश हुए तब ये सारे कार्य कर लिए। अगर उराव जनजाति अपने जीवन काल में दुखी होते थे, सपोज दैट, हमें याद रखने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, दुखी होते थे तब इन लोग देवी देवताओं को भी पूजा किया करते थे। तो उराव जनजाति में विशेष देवी है वो सरना देवी है। अब ये जो देवी है वो कहाँ पे निवास करती है, साल वृक्ष में निवास करती है, और चैत माह में साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर सरहुल नृत्य किया जाता है। अब सरोल नृत्य कहाँ पे प्रचलित है, उराव जाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और एक और देवता है धर्म देवता, इसकी पूजा कब की जाती है, त्योहारों पर की जाती है, और किसके अवसर पर की जाती है, पितृ पूजा परंपरा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए त्योहारों के अवसर पर धर्म देवता की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। अब ये सारे चीज़ हो गए, और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि उराव जनजाति की अगर मुखिया की बात करें तो उसको माझी नाम से इंडिकेट किया जाता है, और उराव जनजाति की उपजाति के रूप में नाहार हो गया, कुसाड़ हो गया, किसान हो गया, ये विशेष उपजाति होते हैं फ्रेंड्स। अब अगर उराव जनजाति की अगर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो विशेष रूप से दो सरगुजा हो गया, बलरामपुर हो गया, जसपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, कोरबा हो गया, ये विशेष रूप से उराव जनजाति को यहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस कहानी के रूप में आपको याद रखना है। तो बैगा जनजाति के बारे में आपको थ्योरी के साथ साथ लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे कि आपका तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग बैगा जनजाति के बारे में समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैगा जनजाति की व्यवसाय एवं उसकी जीवन यापन के बारे में बात करें तो झूम खेती एवं शिकार करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। झूम खेती करने के मतलब है कि स्थानांतरित खेती। तो बैगा जनजाति के लोग यह सोचते थे कि धरती माँ के एक ही जगह पर हल चलाने पर धरती माँ को दर्द होता है, दुख पहुँचता है, इसलिए स्थानांतरित खेती किया करते थे। अब स्थानांतरित खेती को बेवार खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बेवार खेती बैगा जनजाति में प्रचलित है। तब बैगा जनजाति अपने जीवन यापन में खुश होते थे तो दो तीन कार्य विशेष रूप से किया करते थे, जिसमें से पहला है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह कैसे किया करते थे, लमजन्ना, लमिया, लमसेना प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है फ्रेंड्स। तो तीनों प्रथा को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, बैगा जनजाति में प्रचलित है। अब बैगा जनजाति के नृत्य के बारे में बात करें तो कर्म सर्वप्रमुख नृत्य माना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद ददरिया प्रेम कब मनाया जाता है, दशहरे के समय इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद परघौनी लोक नृत्य, ये विवाह के समय सबसे ज़्यादा प्रमुख नृत्य माना जाता है फ्रेंड्स। अब ये हो गए जीवन यापन में खुश होते थे तो दो तीन कार्य विशेष रूप से कर लिए। उसके बाद जब बैगा जनजाति दुखी होते थे, सिर्फ याद रखने के लिए, तो दुखी होते थे तो ये भी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो सबसे जो प्रमुख देवता है वो बूढ़ा देव है, जो साल वृक्ष में निवास करती है, इसलिए बूढ़ा देवता को माना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद ठाकुर देव, जब भूमि की रक्षा की बारी आती है तो ठाकुर देव की पूजा की जाती है। उसके बाद दूल्हा देव भी इसकी देवता है। अब कब किया जाता है, बीमारी के रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा की जाती है। तो बैगा जनजाति के आभूषण के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो पीतल, तांबे और एल्युमिनियम के आभूषण बनवा करके बहुत ज़्यादा पहनते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ये गोदना प्रिय भी जनजाति के रूप में माना जाता है। तो बैगा जनजाति के पेय पदार्थ की बात करें तो ताड़ी होता है,
एक कहाँ से मिलता है, ताड़ वृक्ष और छिन्न वृक्ष से मिलते हैं फ्रेंड्स। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा पेय पदार्थ ताड़ी होता है। अब बैगा जनजाति की उपजाति की अगर बात करें तो नौरतिया होते हैं, भौरतिया होते हैं, रायमैना होता है, कट मैना होता है और रेमैना होता है दोस्त। इस तरह से बैगा जनजाति की उपजाति होते हैं। बैगा जनजाति का अर्थ है पुरोहित या पांडा और बैगा जनजाति को सबसे पिछड़ी जनजाति के रूप में भी माना जाता है। बैगा जनजाति को वनस्पतियों का अच्छा ज्ञान होता है इसलिए ओझा का कार्य करते हैं फ्रेंड्स। ओझा करने का मतलब है कि झाड़ फूक का कार्य करना ही ओझा कहलाता है। तो ये बैगा जनजाति का पूरा डिटेल है फ्रेंड्स, आप इमेज वाइज इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, इसका आपको बहुत ही इजीली तरीके से आप आंसर पर टिक लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेवार कृषि स्थानांतरित खेती के प्रकार हैं यह किस जनजाति में मुख्यतः की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है कमार, सेकेंड ऑप्शन है कोरबा, तीसरा ऑप्शन है बैगा और चौथा ऑप्शन है हल्बा। तो टिक लगाइए फ्रेंड्स, हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो अभी आपने देखे होंगे तो बैगा जनजाति इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैगा जनजाति की पेय पदार्थ कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है कोसमा, सेकेंड ऑप्शन है पेज, तीसरा ऑप्शन है ताड़ी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फ्रेंड, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ताड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां और विशेषताएं असत्य हैं। तो पहला ऑप्शन है कमार बाशिल्प, सेकेंड ऑप्शन है कसेर धातु शिल्प, तीसरा ऑप्शन है बैगा मुमछ पद्धति शिल्प, चौथा ऑप्शन है मलार धातु शिल्प। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा बैगा मुमछ पद्धति शिल्प, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति और युवा आवास गृह सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रंगबंग बैगा, दूसरा ऑप्शन है गतिहोर बिरहोर, तीसरा ऑप्शन है धुमकुरिया उरा, लास्ट ऑप्शन है घोटुल और मुरिया। तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, पट्टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हमारा रंगबंग बैगा से सम्मिलित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजातियों में विवाह के अवसर पर बारात के अगवानी के समय आंगन में हाथी बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है डोला, सेकेंड ऑप्शन है सैला, तीसरा ऑप्शन है परगौनी, चौथा ऑप्शन है परब। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो हमने अभी देखे हैं कि बारात के समय कौन से नृत्य किया जाता है, तो परगौनी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उन पर लिखी गई पुस्तकें असत्य जोड़ी हैं। तो पहला ऑप्शन है द कमार एस सी दुबे, सेकेंड ऑप्शन है द मोरियल एंड देयर घोटुल वेरियल एल्विन, तीसरा ऑप्शन है द बिरहोर एस सी राय, चौथा ऑप्शन है द बैगा एस सी दुबे। तो पहला ऑप्शन में द कमार और चौथा ऑप्शन में द बैगा एस सी दुबे और एस सी दुबे है फ्रेंड्स। तो आपको टिक लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द बैगा एस सी दुबे के द्वारा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति समूह कौन सी है। तो ऑप्शन है बैगा, सेकेंड ऑप्शन है गोड़, तीसरा ऑप्शन है उराव, चौथा ऑप्शन है हल्बा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मुड़िया जनजाति के सबसे पहले उसके जीवन यापन के बारे में बात करें तो स्थायी कृषि मजदूरी एवं शिकार करके अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। तो मुड़िया जनजाति लोग अपने जीवन काल में खुश होते हैं तो दो तीन कार्य विशेष रूप से किया करते हैं, जिसमें से पहला है नृत्य। तो नृत्य कैसे करते हैं, कसकर नृत्य। और कसकर नृत्य क्यों किया जाता है, घोटुल के देवता लिंगोपेन को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद हुलकी हो गया, कोलांग हो गया, घाटी हो गया, गेड़ी। तो गेड़ी लड़कों लोगों के लिए विशेष करके नृत्य होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया मांदरी, तो मांदरी घोटुल के बाहर किया जाता है। पाटा हो गया, तो ये सामान्य रूप से नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद देखते हैं, अगर मुड़िया जनजाति लोग अपने जीवन यापन में दुखी होते हैं तो ये भी जनजाति देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो सिर्फ याद रखने के लिए है, तो इसका जो प्रमुख देवता है वो है अंगद देव। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स,
उसके बाद मुड़िया जनजाति के लोग फिर भी नहीं बच पाते हैं और आकस्मिक उसका मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता है, तो इसका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो घोटुल पाटा गाया जाता है। और मृत्यु के अवसर पर नृत्य भी किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, माऊ पाटा। तो इस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो मुड़िया जनजाति गोड़ों का उपजाति होता है, तो इसमें घोड़ों का भी कुछ विशेषता होगी। तो यहाँ पे युवागृह को क्या कहा जाता है, घोटुल नाम से जाना जाता है। और मुड़िया जनजाति को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति भी कहा जाता है। अब देखते हैं मुड़िया जनजाति की पेय पदार्थ के बारे में बात करें तो साफी इसका प्रमुख पेय पदार्थ होता है। और इसकी बोलियाँ के बात करें तो गोड़ी और हल्बी इसकी प्रमुख बोलियाँ होती है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं, लड़के को चेलिक कहा जाता है और महिला को मुटियारिन कहा जाता है। तो लड़के में जो प्रमुख सदस्य होते हैं उसको सिरेदार, और महिलाओं में जो प्रमुख सदस्य होते हैं उसको बेलोसा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशेष करके ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर मुड़िया जनजाति की नृत्य के बारे में बात करें तो रियो गीत भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको लास्ट में आपको बताया हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको याद रहे। तो मुड़िया जनजाति के बारे में दोस्तों हम लोग विकल्प क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, आप सही क्वेश्चन पर टिक लगा सकें। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो ऑप्शन है मुरिया नाट, सेकेंड है माओ पाटा, तीसरा ऑप्शन है दहीकांदो, चौथा है राई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेकेंड इज राइट हो जाएगा, माओ पाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलिक व मोटियारिन किस जनजाति के युवागृह के लड़के लड़कियों को कहते हैं? तो पहला है उराव, सेकेंड है मुरिया, तीसरा है बैगा, चौथा है उराव। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट हो जाएगा, मुड़िया जनजाति के लड़के लड़कियों को क्या कहा जाता है, चेलिक और मुटियारिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने परंपरागत नृत्य के समय सिर पर जंगली भैंसे के सिर बनी टोपी पहनते हैं? तो पहला ऑप्शन है हल्बा, सेकेंड है कमार, तीसरा है मुड़िया, चौथा है गोड़। तो सही पर टिक लगाइए फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो मुड़िया जनजाति इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है? तो पहला है देवार गीत, सेकेंड है पंथी गीत, तीसरा है सुवा गीत, चौथा है रेला गीत। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, तो रेला गीत इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युवागृह के संस्थापक व प्रमुख देवता लिंगोपेन है? तो पहला है रंगबंग, सेकेंड है घोटुल, तीसरा है धुमकुरिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, तो सेकेंड इज राइट हो जाएगा, घोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थान घोटुल रहा है? तो पहला है गोड़, सेकेंड है हल्बा, तीसरा है माड़िया, चौथा है मुड़िया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो टिक लगाइए, जरूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे पता चलेगा कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मुड़िया जनजाति इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है? तो पहला है चेहरे पाटा, सेकेंड है ददरिया, तीसरा है कोला पाटा, चौथा है हुल्की पाटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कमार जनजाति के बारे में पूरा आपको थ्योरी बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार करवा दूंगा, जिससे आपका स्टडी और भी मजबूत हो सके, और कोई भी टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कमार जनजाति के जीवन यापन एवं उसके व्यवसाय के बारे में चर्चा करें तो कृषि, मजदूरी एवं शिकार करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। अब कृषि कैसे करते थे, स्थानांतरित कृषि किया करते थे फ्रेंड्स। स्थानांतरित करने का मतलब है, सपोज दैट इस वर्ष अगर जिस जगह में वो कृषि कर रहे हैं, अगले वर्ष उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में कृषि करना ही स्थानांतरित कृषि कहलाता है। तब स्थानांतरित कृषि को कमार जनजाति लोग दाही या दहिया नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको
पहले क्लास में बताया था बैगा जनजाति के बारे में स्टडी कराया था, तो उसमें भी स्थानांतरित कृषि किया करते थे, और स्थानांतरित कृषि को बैगा जनजाति लोग कौन सी नाम से उसको जाना जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। अब मजदूरी की बात करें तो कमार जनजाति लोग मांस शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं और इसी में अपना जीवन यापन व्यतीत किया करते हैं। देखते हैं शिकार कैसे करते हैं। शिकार मारने के बाद शिकार का सर काट करके पानी में धोकर वन देवता को अर्पित कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान रखना है। तो कमार जनजाति लोग अपने जीवन यापन में खुश होते हैं तो दो तीन कार्य विशेष रूप से किया करते हैं, जिसमें से पहला है विवाह। तो विवाह कैसे होता है, पितृवंशी परंपरा के आधार पर विवाह किया जाता है। पितृवंशी करने का मतलब है कि माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह किया जाता है। उसके बाद समगोत्री विवाह नहीं होता है। समगोत्री करने का मतलब है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। उसके बाद विधवा विवाह मान्य है। विधवा विवाह करने का मतलब है कोई लड़की शादी के बाद विधवा हो जाती है तो उसका शादी किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कमार जनजाति की नृत्य के बारे में, तो नृत्य में मांदर प्रमुख वाद होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नृत्य में मांदर प्रमुख वाद होता है, इसको कई बार पूछा गया है क्वेश्चन को। उसके बाद बात करते हैं कि कमार जनजाति के लोग अगर दुखी होते हैं सिर्फ याद रखने के लिए हैं तो ये भी जनजाति देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। तो प्रमुख देवता है दुल्हा देव, उसके बाद महादेव, ठाकुर देव, हनुमान, ये सभी कमार जनजाति के देवता हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रमुख देवता के बारे में, तो दुल्हा देव को टिक लगा के आना है फ्रेंड्स, विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद कमार जनजाति के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। कमार जनजाति गौर जनजाति की उपजाति होती है। तो कमार जनजाति के लोग पहाड़ी एवं मैदान में रहना पसंद करते हैं। तो पहाड़ी में रहने वाले कमार जनजाति को पहाड़ पटिया एवं मैदान में रहने वाले कमार जनजाति को मंदरिजिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, विशेष करके ध्यान रखेगा इस दोनों वर्ड्स को। उसके बाद देखते हैं कि कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहां कहां निवास करते हैं। तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, गरियाबंद, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरिया एवं सरगुजा जिला में मुख्य रूप से कमार जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये सभी कमार जनजाति का पूरा डिटेल है दोस्तों, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जितना भी डिटेल था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार करवा देता हूँ कि आप बहुत आसानी से सही आंसर पर किस तरह से टिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है दाहिया स्थानांतरित किसी किस जाति की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है अबुझमाड़िया, सेकेंड ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है बिंजवार, चौथा ऑप्शन है कमार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही टिक लगाइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, कमार जनजाति स्थानांतरित कृषि की मुख्य विशेषता है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस जनजाति के लोग शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी से धोकर वन देवता को अर्पित कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कमार, सेकंड ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है कोरबा, चौथा ऑप्शन है माड़िया। तो विशेष करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता है तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा हमारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस जनजाति का नृत्यों में मादर प्रमुख वाद होता है। तो पहला है बैगा, सेकेंड ऑप्शन है कोरवा, तीसरा ऑप्शन है कमार, चौथा ऑप्शन है बिंजवार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, कमार। उसके बाद देखते हैं चौथा है कौन सा जनजाति बांस शिल्प में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है बैगा, सेकेंड ऑप्शन है उराव, तीसरा ऑप्शन है कोरवा, चौथा ऑप्शन है कमार। तो इसका भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमार इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कमार जनजातियों का प्रमुख देवता है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स दुल्हा देव, सेकेंड ऑप्शन है बूढ़ा देव, तीसरा है सरना देवी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कमार जनजाति का पूरा थ्योरी एवं एमसीक्यू क्वेश्चन आप तैयार कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।